अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। आज मैं बना रही हूँ पालक। पालक को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से साफ़ करके, तो मैंने इसको धो लिया है। यहाँ पे मैंने पानी रखा है हुआ बॉयल करने के लिए। गैस इतनी कम आ रही है कि मैंने कब से ये पानी रखा हुआ है, और ये देखिए मेरा बर्तन भी काला हो गया अंदर से। वो हल्की आँच में वो हल्का हल्का हो रहा है, इतनी वो आँच नहीं आ रही है। तो अभी इसके अंदर मैं ये जो पालक है इसको मैं कटिंग नहीं करूँगी, मैं इसको इसी तरह से डाल दूँगी, क्योंकि मैंने वैसे भी इसको ग्राइंड कर लेना है, तो ये वैसे भी इसके डंडल जो है वो वैसे भी दिखाई नहीं देंगे। तो आप लोग भी जो इसके ये वाले डंडल होते हैं इसको मत काटा करें, क्योंकि सारा कैल्शियम तो इसी के अंदर होता है जो हम उतार देते हैं, तो ये फिर खाली पत्ता रह जाता है खाली। तो अब ये वाले जो हैं पालक, मैं इसको पानी में ऐड करके तो इसको मैं एक दो बॉयल दूंगी और इसको मैं छान लूँगी। पालक मेरी बॉयल हो गई है, अभी इसको छान के तो इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो आप वो जो होती है ना कुंडी डंडा, पंजाब में उस कुंडी को ना दोरी भी बोलते हैं, उसको दोरा ही पड़ जाता है कुंडी डंडा उसको बोलते हैं। आप चाहें तो उसमें भी हल्का हल्का कूट सकती हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन इसका जो पानी है जो कड़वाहट है पालक की वो मैं निकाल दूँगी छान के। तो मैं इसको ग्राइंड कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पालक को देखें, पालक का मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, कितना ग्रीन ग्रीन कलर आया, क्योंकि ज़्यादा बॉयल करेंगे तो इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया है प्याज काट के रख ली, और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला है, क्योंकि पालक के अंदर थोड़ा सा ऑयल या घी ज़्यादा हो तो फिर अच्छा लगता है। बाकी मैं आज इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, मैं खाली इसको पकाऊंगी इसी तरह से नॉर्मल। कोई मैं इसके अंदर मसाला नहीं ऐड करूंगी, कोई कुछ भी नहीं। बस यहाँ पे मैंने ये आलू काट के रखे हैं, और साथ में ये है टमाटर एक, और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्ची ऐड करूँगी, वो बाद में करूँगी। तो बस मैंने ये चीज़ें ऐड करनी है, और जो नॉर्मल रूटीन के मसाले होते हैं वो ऐड करूँगी। आप नॉर्मल रूटीन के जो मसाले हैं आप नॉर्मल रूटीन के मसाले ऐड करें, आप कोई भी दूसरा स्पाइसी जो मसाले होते हैं वो ऐड मत करें। जैसे कि गरम मसाला हो गया, जीरा पाउडर हो गया, आप इस तरह की कोई चीज़ इसमें मत डालें। ये पालक वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, और इसका जो फ्लेवर है वो रियल नहीं आता है। नमक मैंने इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर दिया है। बाकी अभी इसके अंदर हल्का सा पानी लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाए। आँच भी थोड़ी स्लो ही आ रही है, गैस ने इतना ज़्यादा मसला किया हुआ है। अभी सर्दियाँ आई नहीं है, पहले से गैस आनी ख़त्म हो गई है, रात को भी और दिन में भी इतना ज़्यादा गैस का इश्यू हो रहा है, गैस आ ही नहीं रहा है। तो अभी ये है मेरे पास मसाले, मैं इसमें से सिर्फ हल्दी और इसमें से रेड चिल्ली पाउडर लूँगी, और कुछ भी नहीं डालूँगी। हल्दी डालूँगी, हल्दी मैं तकरीबन ही अपनी हर सब्ज़ी में डालती हूँ, मुझे हल्दी बहुत अच्छी लगती है, और हल्दी वैसे भी फ़ायदेमंद होती है। वन ये भर के, ये मेरा टी स्पून है, तो इसलिए ये मैं 3 चम्मच डालूंगी, क्योंकि पालक में जो हल्की मिर्ची होती है वो अच्छी नहीं लगती। थोड़ी स्पाइसी मिर्ची हो तो पालक में अच्छी लगती है, लाइट मिर्ची अच्छी नहीं लगती पालक में। आप लोग चाहें तो आप लोग जैसे अपने घर में बनाते हैं स्पाइसेस वगैरह डालते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ, मेरा ये मानना है कि पालक में अगर हम स्पाइसेस डालते हैं, गर्म मसाले ऐड करते हैं, तो उससे पालक का अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। हाँ, अगर आप चिकन वगैरह डालते हैं इसके अंदर, पालक गोश्त बनाते हैं, तो फिर आप लाजमी उसके अंदर स्पाइसेस ऐड किया करें, और जब आप आलू पालक बनाएं तो फिर खाली नॉर्मल मसाले ही अच्छे लगेंगे। आलू मैंने शामिल कर दिए हैं इसके अंदर। आलू मैंने थोड़े कम काटे थे, लेकिन मेरे बच्चों ने जब देखा कि आलू साथ में डल रहे हैं सब्ज़ी के, तो उन्होंने और शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमने आलू के साथ ही खाना खाना, तो फिर मुझे आलू और काटने पड़े, और मुझे बर्तन भी चेंज करना पड़ा। जाहिर है जितने आलू मैंने काटे थे उस हिसाब से जो पहले वाले बर्तन में मैं सालन बना रही थी वो छोटा था, तो इस वजह से करके फिर अभी मैंने बर्तन भी चेंज किया, आलू मजीद काटे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पालक आलू नहीं बना रही हूँ, बस खाली आलू बना रही हूँ, और उसमें बस पालक को ना जैसे धनिया के तौर पे डाल रही हूँ बस। तो क्या करें, अभी बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी छोटी सी ये मेरी सिंपल सी रेसिपी थी तो जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो बस और कुछ भी नहीं। बस ये मसाला मेरा थोड़ा सा और भून जाए मिर्ची वगैरह, तो फिर मैं इसके अंदर पालक शामिल कर दूँगी जिसका पेस्ट बनाया हुआ है। और आलू का, इस वाले जो आलू ना, ये वाले आलू, इनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अजीब सा टेस्ट इनका आ रहा है, पता नहीं क्यों आलूओं को भी क्या हो गया, ये भी बिगड़ गए हैं, इनका जायका ही नहीं आता है इतना, जितना भी इसके अंदर वो स्पाइसी डाल लो कुछ भी कर लो, बिल्कुल भी आलू का अजीब सा फ्लेवर अंदर से आ रहा है, जैसे ख़राब से होते हैं, हालाँकि दिखने में ख़राब भी नहीं होते, तो पता नहीं ये भी क्या ज़माने के साथ बिगड़ गए हैं आलू भी। आलू हमारे भुन गए हैं अच्छी तरह से, अभी मैं अपना ये जो टमाटर का पेस्ट है ये उठाऊंगी और ये इसके अंदर शामिल कर दूंगी। कलर चेक करें कितना प्यारा है ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको कलर दिया है, ये देखिए आप। पालक मैंने शामिल कर दी है, और अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी ताकि हमारी जो पालक है ये भी अच्छी तरह से भुन जाए, तो फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, जो मैंने आलू डाले हैं वो उस पानी में गल जाएंगे।
और बाकी आप लोगों के लिए ये भी है, बाकी ये है कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और लेकिन पत्ते वाली जो सब्ज़ी होती है ना, ये किडनी के लिए सही नहीं होती। मुझे किडनी का प्रॉब्लम है, तो अभी आज जैसे कह लो कि मैंने ये बड़े शौक़ से खानी है, तो फिर आज पता नहीं फिर किडनी ने भी मेरे को कितना नचाना है, ये भी कोई पता नहीं मुझे। तो फिर किडनी ने मेरा जो हाल करना है ना, ये फिर मुझे बाद में पता चलेगा। पालक मेरी काफ़ी देर से भून गई है, तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट इसको भून लिया है। अभी इसके अंदर मैं इतना पानी शामिल करूँगी जितने में हमारे आलू गल जाए। बस आलू को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए, ऑयल छोड़ दिया है पालक ने, तो इसका मतलब है हमारा सालन रेडी है। अभी मैं आलू चेक कर लेती हूँ कि आलू गल गए हैं या कच्चे। जी आलू हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए पालक ने ऑयल भी छोड़ दिया है और आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से सिंपल सी रेसिपी बनाया करें। हम जो बाज़ सब्ज़ियों में बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो मसाले के बगैर ही अच्छी लगती हैं। आप पालक को भी इस तरह से नॉर्मल मसालों में बना के देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगेगी। चले मैं इसको करती हूँ डिश आउट। ये रही हमारी आलू पालक की सिंपल सी छोटी सी रेसिपी। आप लोगों को भी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को नीला राजपूत ब्लॉग्स को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।